अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दही फुल्की, कि जो कि रमज़ान की अच्छी डिश है, जो सब खाते भी हैं इसको। और इसमें यूज़ होता है दही, जिससे हमारे पेट के अंदर ठंडक पहुंचती है हमको। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फुल्कियाँ। हमने यहाँ पे 1 कप बेसन का आटा लिया, यानी चने का आटा लिया है। ये हम मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मसाले सारे ऐड हो गए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। हमने यहाँ 1 कप पानी लिया, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है। ऐसा ऐसा करके डालते जाएंगे, और अब हम इसको हिला देंगे और अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। स्मूथ सा इसका बैटर बन जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके का बनेगा। अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। और यहाँ हमने 3/4 पानी इसको बैटर बनाने के लिए यूज़ किया था। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और इस तरीके से जब हम इसको घुमाएंगे तो फॉर्म की तरह बनना शुरू हो जाएगा। और अब हम इसको चलेंगे, फ्राई करेंगे। इस तरीके से स्पून में लिया है, और इसके दूसरे स्पून की मदद से हम इसको इसके अंदर गिरा देंगे। इस तरीके से हम इसके सारे बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ये बूंदियाँ जो इसमें गिराई थी, अब वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट तक इसको पकाया है इसमें। ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ अभी, कि अगर हम इसको अभी हमने 2 मिनट पकाया है और इसके बाद हमने इसको निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि अंदर से बहुत सॉफ्ट है, तो ये रेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी फ़ौरन आपने खाना है, ये स्टोर करने के लिए अभी रेडी नहीं हुई है, ये आपके अभी खाने के लिए रेडी हुई है। आपने इसमें दही डाल के आप खा लेंगे अभी, तो ये सही है। और अगर आपको स्टोर करना है कुछ हफ्तों के लिए इसको, तो अब हम इसको वापस से रीफ्राई करेंगे। हमने अपने जो ऑयल है उसको मीडियम फ्लेम पे ऑन रहने दिया, वो प्री हीट हो गया है। अब हम इसको वापस फ्राई करेंगे, तो इसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगी, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं कुछ हफ्तों के लिए। अब हमारा ऑयल जो है वो प्री हीट हो गया, हम इसको रीफ्राई कर रहे हैं ताकि ये हमारे क्रिस्पी स्टोर के लिए ये क्रिस्पी रहे। देख सकते हैं इसको 2 मिनट के लिए और हम पका लेंगे, ताकि अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये डार्क, मतलब गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन होना शुरू हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा अब क्रंची और क्रिस्पी होगी। अब हम इसको अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। अब हमने इसको स्टोर करना था, इसलिए इसको रीफ्राई करा हमने। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी कितनी क्रंची और क्रिस्पी हो गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और अब इसके बाद हम इसको किसी जिप लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं, या किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा हो जिसमें एयर ना जाए, वरना ये ख़राब होने का इसका डर होता है। आप किसी जिप लॉक में इसको सेव कर लेंगे, तो ये 3 से 4 हफ्ते आपके लिए ये स्टोर हो जाएगी। फुल्की हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसके लिए दही रेडी करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम्स योगर्ट लिया है, और इसके साथ अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून शुगर, या हमने पिसी हुई चीनी ली है। चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमारा जो हमने मिक्सर बनाया है वो रेडी हो चुका है दही का। और अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें फुल्कियों में किस तरीके से इसको ऐड करना है। यहाँ पे गर्म पानी ले लिया एक बोल में, और इसमें हम डाल रहे हैं अपनी फुल्कियाँ जो हमने बनाई है। नॉर्मल नीम गर्म पानी, बहुत ज़्यादा ना गर्म ना बहुत ठंडा। इसको अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेंगे, और 5 मिनट बाद हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमने जो इसमें सोक करके रखा था फुल्कियों को, अब हम इसको निकाल लेंगे। और इस तरह हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करके पानी को निकाल के एक हम यहाँ पर डिश में ले रहे हैं। फुल्कियाँ रेडी हो गई है, हमने इसको पानी से भी निकाल लिया है। अब हम इसमें जो दही हमने बनाया था वो ऐड कर रहे हैं। इसे दही इसके ऊपर ऐड कर देंगे। हमारी दही फुल्की रेडी हो चुकी है। दही मसाले का मसाला ऐड कर देंगे, दही बड़े का।
ये हो गए हमारे तैयार दही बड़े, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे बने हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।